बाबा के महावाक्य फॉलो फादर का है ना, सिस्टर ब्रदर तो नहीं कहा है। ब्रदर सिस्टर को देखना है, कनेक्शन तोड़ना नहीं है, क्योंकि नहीं तो आप माला में ही नहीं आएंगे। अगर परिवार से कनेक्शन आपका नहीं होगा तो दाने का दाने से कनेक्शन है। ऊपर का जो ये फूल दिखाते हैं, युगुल दाना दिखाते हैं, वो भले माला में है, लेकिन नजदीक का कनेक्शन माला में दाने का दाने से है, परिवार से। परिवार को प्यार से देखना है, लेकिन बाबा ने कहा है परिवार में ब्रदर और सिस्टर को देखो तो विशेषता को देखो उसका। इतना कनेक्शन दिया है बाबा ने, ब्रदर सिस्टर को देखो, विशेषता को देखो उसको। चाहे 99 गलतियां उसमें होंगी, लेकिन एक विशेषता जरूर होंगी। और उस एक विशेषता को आप देखो, जैसे गुलाब के पुष्प में कांटे कितने होते हैं, लेकिन हम किसको देखते हैं? कांटे को हाथ में उठाएंगे या गुलाब को? तो चाहे ब्रदर सिस्टर में गलतियां हैं, लेकिन हमको उनके विशेषता को देखना है। और किस नजर से देखना है वो भी बाबा ने स्पष्ट किया है, शुभ भावना शुभ कामना रख करके एक दो में संबंध में आओ। स्पष्ट डायरेक्शन है ना, सब वृत्ति क्या रखो, दृष्टि क्या रखो, और देखो तो क्या देखो। तीन बातें हुई स्पष्ट, देखना है विशेषता, और वृत्ति रखनी है शुभ भावना शुभ कामना, दृष्टि में शुभ कामना। ये बाबा के डायरेक्शन है, ये श्रीमत है। अच्छा, अगर इन श्रीमत में से हम कोई भी श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो हमारा पुण्य होगा क्या? होगा पुण्य? हल्का सा पापी के लिस्ट में जाएगा ना, तो वो छोटे पाप भी हमारे बड़े हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की आज्ञा को हमने अविज्ञा की, भगवान के श्रीमत को हमने उल्लंघन किया। और अभी जो भ्रमण जीवन में हमारे से छोटे छोटे पाप अलबेलेपन से हो जाते हैं, वो बोझ भी हमको नीचे करता। चिंतन करे, मैं विजय माला का दाना हूं, अपने ब्राह्मण परिवार के हर एक सदस्य के साथ दाने दाने की तरह मैं समीप हूं। मुझे सारे कल्प के पुण्य जमा करना है, इसलिए मेरी दृष्टि हर एक की सिर्फ विशेषता पर ही है। श्रीमत पर फॉलो फादर कर रही हूं।
जाने प्रभु से मिला।